बिहार प्रदेश जीविका और जिला इकाई संघ द्वारा आज सीतामढ़ी में 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नंद किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव राकेश पासवान ने शिरकत की। धरना प्रदर्शन महसूल होते हुए जिला प्रशासनिक मुख्यालय डुमरा के अम्बेडकर स्थल तक आया, जहां पर जीविका दीदियों ने जमकर नारेबाजी की। जीविका दीदी का कहना था कि हम लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं जीविका में, उसके मुताबिक हम लोग को मानदेय नहीं मिलता और हर प्रत्येक ग्राम कंट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो ये दीदियों को मान्य नहीं है। एक तो दीदी बहुत गरीब है, आप गरीब को खत्म करना चाहते हैं, गरीबी से ऊपर उठाना चाहते हैं और 10-10 रुपया काम करने वाले को गरीब से ही दिलवाना चाहते हैं, कहाँ का न्याय है? अगर हम लोग इतना मेहनत से काम करते हैं तो आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है कि हम लोग सीएम दीदी हैं, उन लोगों का वेतन 11,000 रुपया होना चाहिए। जो हमारे बुककीपर हैं, जो भैया लोग काम करते हैं, आप लोग जीविका जुड़ी हुई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव चौरसिया हूँ। इस मामले में सदर SDO मुकुल कुमार ने जानकारी दी। क्या मामला? ये बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें उनको अपनी मांगे रखनी थी। उसमें कुल उन्होंने 10 मांगे रखी हैं। मूल रूप से ये जीविका प्रदेश कैडर संघ का आया था, हालांकि वहाँ जीविका दीदी काफ़ी संख्या में थी, इसलिए हमने उनसे कहा भी कि कैडर संघ का है तो कैडर संघ के लोगों का होना ज़्यादा वाजिब था। जीविका दीदियों को वहाँ पर लाना किसी हिसाब से सही प्रतीत नहीं हो रहा था, हालांकि हमने उनकी मांगे उनसे, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे ले ली है और इस मांग को हम जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन के रूप में दे दिए।